हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। शतरंज की चैंपियन प्लेयर और दिव्यांग मलिका हांडा पंजाब सरकार की सौतेले व्यवहार से लगातार पीड़ित हैं। वे लगातार सरकार के सामने सरकारी नौकरी और नाम के लिए गुहार लगा रही हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। जहां भारत के दिव्यांग शतरंज चैंपियन मलिका हांडा ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाए हैं। मलिका हांडा का कहना है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। मलिका हांडा सरकार से सरकारी नौकरी और इनाम की गुहार लगा रही हैं। वहीं उनका कहना है कि खेल मंत्री प्रगट सिंह ने उनसे कहा कि राज्य सरकार उन्हें नौकरी और नगद इनाम नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार के पास बधिर खेलों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है। मलिका ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पंजाब सरकार ने पिछले 5 साल से उनका मजाक बनाया है। मूक बधिर मलिका हांडा शतरंज की बेहतरीन खिलाड़ी है। मलिका ने 7 बार शतरंज की नेशनल चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक भी जीत चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कई इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी जीती हैं। इसके बावजूद अब तक पंजाब सरकार ने ना तो उनकी कोई मदद की है और ना ही कोई सरकारी नौकरी का ऑफर दिया है। मलिका ने एक ट्वीट करते हुए आरोप लगाए कि वो 31 दिसंबर 2021 को पंजाब के खेल मंत्री से मिली थी। मलिका ने लिखा कि अब वे कह रहे हैं कि पंजाब सरकार कोई सरकारी नौकरी या नकदी नाम नहीं दे सकती है, क्योंकि उनके पास मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। मलिका का कहना है कि पहले खेल मंत्री ने उन्हें नगद इनाम देने की घोषणा की थी। साथ ही मलिका ने बताया कि उन्होंने इसके लिए एक पत्र भी लिखा था। इसके बाद उन्होंने मलिका को निमंत्रण भी भेजा था, लेकिन कोरोना के चलते ये रद्द कर दिया गया। मलिका का कहना है कि सब कुछ मौजूदा स्पोर्ट मिनिस्टर प्रगत सिंह के समय भी हो रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि घोषणा पूर्व मंत्री ने की थी, उन्होंने या सरकार ने नहीं। मलिका ने लिखा कि मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि फिर घोषणा क्यों की थी। कांग्रेस सरकार ने मेरे 5 साल बर्बाद किए हैं, उन्होंने मेरा मजाक बनाया है, उन्होंने मूक बधिर खिलाड़ियों की कोई देखभाल नहीं की है। उन्होंने पंजाब सरकार से सवाल किया कि पंजाब सरकार ये सब क्यों कर रही है। बता दें कि इससे पहले भी मलिका ने कई बार सरकार और लोगों के सामने गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी है। वहीं मलिका के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए पीएम मोदी से मलिका की मदद करने को कहा है। एक यूजर ने पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर को टैग करते हुए लिखा कि कृपया इनकी मदद करें। वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि प्लीज इनको जॉब और इनाम दें। इस तरह से कई लोगों ने पीएम मोदी को टैग करते हुए मलिका की मदद करने की गुहार लगाई है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।